टी20 वर्ल्ड कप का फाइनल मैच भले ही भारत ने जीत लिया, लेकिन भारतीय फैंस के मन काफी उदास हो गए, क्योंकि भारत के दो लेजेंडरी प्लेयर यानी विराट कोहली और रोहित शर्मा ने अपनी टी20 कैरियर के संन्यास की घोषणा कर दी कि अब वो आईसीसी का इंटरनेशनल का कोई भी टी20 मैच नहीं खेलेंगे। जी हाँ, रोहित शर्मा और विराट कोहली ने जैसे ही घोषणा की उसके बाद भारतीय क्रिकेट फैंस के मन में मतलब बहुत सवाल उभरने लगे कि क्या आप रोहित शर्मा और विराट कोहली हमें नहीं दिखेंगे वो छक्के लगाते हुए। कि रोहित मतलब हिटमैन के नाम से फेमस हुए रोहित शर्मा ने काफ़ी प्रसिद्धि हासिल की। 2007 में इंग्लैंड के मैच से रोहित शर्मा ने टी20 में डेब्यू किया था और 2024 में आज फाइनल जिताकर फाइनली रोहित शर्मा ने कह दिया टाटा बाय बाय गुड बाय, अब हम नहीं दिखेंगे आपको टी20 में। हाँ, जब दो लेजेंडरी प्लेयर ने एक साथ टी20 वर्ल्ड कप के बाद घोषणा की कि अब वो टी20 फॉर्मेट का इंटरनेशनल का कोई भी मैच नहीं खेलेंगे, उसके बाद उनके जो चाहने वाले थे उनके दिल बैठ गए कि भाई विराट के कलाइयों का इस्तेमाल हमने खूब देखा है, विराट की दो प्लेयर्स के बीच में बाउंड्री हमने खूब देखी है, अब वो देखने को कहाँ मिलेगी। और रोहित शर्मा का वो लंबे लंबे हिट्स कि कभी इधर कभी उधर कभी दाएं कभी बाएं, बॉलर भी सोचता था कि रोहित को फेंके तो फेंके कहाँ, लेकिन अब ये दोनों टी20 में आपको देखने को नहीं मिलेंगे। हालांकि रोहित शर्मा ने अपना पहला मैच 2007 में खेला था जब टी20 वर्ल्ड कप की शुरुआत हुई थी और आज 2024 में वो अपना टी20 वर्ल्ड कप का आखिरी मैच यानी वर्ल्ड कप टी20 वर्ल्ड कप का फाइनल खेलने के बाद उन्होंने अपने संन्यास की घोषणा कर दी। विराट कोहली ने पहले संन्यास की घोषणा की, उसके बाद फिर रोहित शर्मा ने संन्यास की घोषणा की। अब विराट कोहली और रोहित शर्मा के फैंस सोशल मीडिया पर कह रहे हैं कि अभी इसकी क्या ज़रूरत थी, दो चार दिन वैसे ही खुश रहने लेते थे के बात कर लेते। वेल, ये उनका डिसीजन था, उस पर कुछ नहीं कहा जा सकता है, लेकिन इन दोनों के संन्यास की घोषणा आईसीसी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर पोस्ट करके की कि रोहित शर्मा एंड विराट कोहली ने संन्यास ले लिया है यानी रिटायरमेंट ले लिया है टी20 फॉर्मेट से, अब वो इंटरनेशनल का कोई भी मैच नहीं खेलेंगे। उसके बाद विराट कोहली के फैंस और रोहित शर्मा के फैंस ने रोहित शर्मा और विराट कोहली के साथ तमाम ऐसी सेल्फी फोटोज और सारी चीज़ें सोशल मीडिया पर पोस्ट करते करते रोहित शर्मा और विराट कोहली के कैरियर को याद किया। हमने कहा कि आपको भी बता दिया जाए कि आखिर रोहित शर्मा का कैरियर कैसा था। तो रोहित शर्मा ने 2007 में टी20 से शुरुआत की थी, उसके बाद उनका जो डेब्यू मैच था वो था इंग्लैंड के साथ और 2024 में उन्होंने लास्ट अपना टी20 मैच खेला जो था साउथ अफ्रीका के खिलाफ। हालांकि इससे पहले रोहित शर्मा ने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया है, अगर बाकी मैचेस की बात की जाए वनडे और टेस्ट, बाकी अगर यहाँ की लोकल टूर्नामेंट्स की बात की जाए आईपीएल की बात की जाए तो आईपीएल में भी रोहित ने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया है और अच्छा काम किया है। अभी हालांकि आईपीएल में रोहित अभी भी आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन अब इंटरनेशनल मैच में रोहित के आपको छक्के चौके नहीं सुनाई देंगे कि नहीं नहीं रोहित हैं अभी सब संभाल लेंगे, विराट हैं अभी सब संभाल लेंगे, ये अब टी20 में आपको देखने को नहीं मिलेगा। फिलहाल इस वीडियो पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं। अब घिसी पिटी खबरें नहीं, देखिए बेहतरीन प्रेजेंटेशन, हाई क्वालिटी इन्फॉर्मेटिव ग्राफिक्स, मोर नॉलेज सरल और आसान भाषा में सिर्फ वन मिनट में।